एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें 10 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट करने हों और उसका सी प्रोग्राम हमें बनाना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम दो तरीके से समझेंगे, एक तो समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर और उसके बाद एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से यहाँ पर लिख दिया है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडर फाइल ली stdio.h, उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर आई नाम का, आप किसी और नाम का भी ले सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आई नाम का ही वेरिएबल लें। और clrcr फंक्शन हमने यूज़ किया सी लूप क्लियर करने के लिए। यहाँ पर हमने देखिए लूप चलाया है 10 से लेकर 1 तक, और यहाँ पर ये जो सिंबल लगता है ज़्यादातर प्रोग्राम में जब हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं तो यहाँ लगाते हैं लेस देन। लेस देन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर नंबर होता है कम, यानी 1 होता है यूजुअली, यहाँ पर 5, 10 या ऐसा कुछ नंबर होता है, इससे बड़ा नंबर होता है 1 से, तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, यानी 10 से 1 की तरफ जाना है। तो अगर मैं आपको एक हिंट देना चाहूँ तो वो इस तरह से रहेगी, ये देखिए सिंबल ये बड़े की तरफ दिखाई दे रहा है, बड़े की तरफ बड़ा मुंह रहता है इसका और छोटे की तरफ छोटा। तो 10 से लेकर 1 तक हम जाएंगे और उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे बाई 1 से, यानी कि एक एक करके डिक्रीमेंट होता रहेगा। और हमें काम क्या करना है, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। इसके लिए हमने स्लैश एन स्लैश टी लिखा है, ये लिखना मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ मुझे आदत है, मुझे हैबिट है तो देखने में भी अच्छा थोड़ा ठीक लगता है इससे। यानी कि स्लैश एन मतलब न्यू लाइन पर आएगा, हर एक लाइन चेंज होती जाएगी, और टैब यानी कि थोड़ा शिफ्ट होकर आएगा। इसके बाद परसेंट डी मतलब डेसिमल टाइप से हम आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। इस तरह से 10 से लेकर 1 तक ये नंबर प्रिंट करता जाएगा, हर एक लाइन में आता चला जाएगा। यहाँ पर हमने गेट सी एस लिखकर इसको थोड़ी कुछ देर के लिए होल्ड जिससे रह पाएगा ये लगाकर हमने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर, तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। और मैंने प्रोग्राम को पहले से यहाँ टाइप कर दिया है जिससे आपका समय कम से कम लग पाए। और यहाँ पर मैंने सी एल आर एस सी आर फंक्शन को और गेट सी एच फंक्शन को कमेंट किया हुआ है क्योंकि ऑनलाइन सी कंपाइलर पर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 से लेकर 1 तक लूप चलाया है और इसको अब हम रन कराते हैं। रन कराने पर देखिए आउटपुट 10 से लेकर 1 तक आ गया, लेकिन 10 में और 8 में आप देख पा रहे हैं कि स्पेसिंग प्रॉपर यूज़ नहीं हुई है। लेकिन इसकी आप टेंशन ना लें, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर ये ठीक आएगा क्योंकि आप टर्बो सी कंपाइलर में ही इसको आप एग्जीक्यूट कराएंगे। इसको हम ऑनलाइन दोबारा रन करा के देखते हैं तो ये फिर से चेंज हो जाता है। तो ये इसका इसका प्रॉब्लम है ऑनलाइन सी कंपाइलर का, और आपके प्रोग्राम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को हमने दो तरह से करके देखा, व्हाइट बोर्ड पर भी और ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।